आंटी फंस गई भाई, इसका उद्घाटन कब मिलेगा? अच्छा वो हथौड़ा करके आते थे, बोला झूला इस बार लगा, इस बार कुछ कोई नया झूला आया है कि नहीं? हमारे जैसे 50 आ जाए एक पे कुछ नहीं होगा भाई, जब तक ऊपर वाला साथ है। पूछते हैं यहाँ पे आलू की दुकान कब तक लग जाएंगी भाई, आलू की दुकान कब तक लग जाएगी यहाँ पे? ये झूला लग रहा है ये, क्या बोलती गोल्डन की पब्लिक, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज हम जा रहे हैं रामनगरिया 2024 का जो मेला है गाइस वो घूमने के लिए जा रहे हैं, और कल गाइस इसका उद्घाटन है, तो कल भी आपको व्लॉग भी दिखाएंगे वो गाइस। आज एक दिन पहले क्या क्या होने वाला है वो भी आपको दिखाने के लिए हम जा रहे हैं रामनगरिया मेले में, वहाँ अपनी इंस्टाग्राम की रील भी शूट करनी है, और आपको रूबरू करवा देंगे कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है इस समय, और क्या क्या दुकानें लगी क्या क्या नहीं लगी। तो गाइस हमारे व्लॉग में ऐसे बने रहिएगा। आप जा रहे हैं गाइस हम लोग तेल बनवाने गाड़ी में, तेल बनवाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे गाइस घड़िया घाट पंचाल घाट पे, और आपको रामनगरी का पूरा व्यू दिखा देंगे। ये पंचाल घाट का चौराहा है, ये देख सकते हैं आप पूरा, अब भीड़ अभी से ही लगना चालू हो गई, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि अभी से ही यहाँ पर जाम लगना स्टार्ट हो गया है। फिलहाल अभी मेला का जो साउंड वाउंड है अभी लगे नहीं है, और लेकिन जाम अभी से स्टार्ट हो गया है स्कूल पे, और ये जाम एक महीने तक रहेगा जब तक मेला रहेगा। तो गाइस हम लोग पुल पे पहुंचने वाले हैं, आई थिंक हम लोग पहुंच ही गए, और इतनी भीड़ हो रखी है ना गाड़ियों की कुछ कहने को नहीं, क्योंकि गाइस वहां पर जो मेन चौराहे ना जो जहां से रामनगरी के अंदर मुड़ते हैं वहां पर काफी ज्यादा क्राउड रहता है, कोई इधर जा रहा हो तो कोई इधर जा रहा था, इस वजह से ना यहाँ जाम लग जाता है। कि यहाँ पे बहुत सारी झोपड़ियां जो कि यहाँ लोग रहते हैं एक महीने तक जब तक मेला रहता है वो लग चुका है, आपको दिखाते हैं पुल। जाम तो गाइस खत्म ही नहीं होने का नाम नहीं ले रहा, वो आंटी फंस गई, ये देखिए फंस गई ये तो, और वो पुल भी गाइस बन गया है जहाँ से लोग पैदल यात्री जो है ना वो वहीं से सफर करते हैं, और जो कार बाइक वाले हैं वो इस वाले पुल से सफर करते हैं। गाइस हमारी बाइक बंद हो गई खींच। ए गोरे भैया क्या कर रहे हो यार? गोरे भैया ने यार बाइक बंद कर दी यार, स्टार्ट कर ली गोरे भैया ने, चलो मेन द्वार देखिए रामनगरिया मेले का, और यहाँ से चालू होता है रामनगरिया मेला। देख सकते हैं आलू, आलू की जितनी भी दुकानें लगना स्टार्ट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं पूरी आलू की दुकान लगी हुई है, और ये अभी झूला है आसमानी वाला देख सकते हैं पूरा लगा नहीं है, देख सकते हैं दुकानें सब लग रही हैं, यहाँ पर दुकानें लगी है खाने पीने वाली दुकानें जितनी है ना गाइस यहीं पर लगेंगी, और नहीं नौ वाला नहीं है ये भाई, ये भी बड़ाई वाला है, ये आसमानी झूला है, आसमानी झूला है सेकंड नंबर पर, ये टोरा टोरा या फिर ब्रेक डांस है शायद ये, और ये आसमानी वाला है फिर से, उसके बाद जो टोरा टोरा है बाकी है, और भी ये देखो बच्चों के ये सब देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, अभी बहुत जोर शोरों से काम चल रहा है देख सकते हैं आप, और सर्कस तो लग गया है, सर्कस पूरा नहीं लगा अभी, खाली बाहर से ही देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं गाइस आप ये सर्कस पूरा नहीं लगा हुआ है। तो गाइस भाई हमारे मिले यहाँ पे, तो भाई इसका उद्घाटन कब मिलेगा? कल होगा 25 तारीख को, 25 तारीख को कल हो जाएगा। और ये झूले कब तक लगेंगे? मुझे लग नहीं रहा कल तक लग जाएंगे, ये नहीं 3-4 दिन में लग जाएंगे है। तो इस बार कुछ कोई नया झूला आया है कि नहीं? सब वैसे ही है, सब वैसे ही वैसे ही आता है, वो हथौड़ा करके आता था बोला झूला, इस बार लगा कि नहीं लगा? नहीं लगेगा, क्यों लगेगा नहीं? या फिर इस बार लगेगा? अच्छा तो गाइस जो भी हथौड़े वाले झूले को जानता है ना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो सभी का मन पसंदा झूला था कि भाई तो वो भाई खतरनाक झूला था, काफी लोग डरते थे सारे झूले से, ठीक है ना, वो अलग ही था झूला, ठीक है। तो आप देखिए कितने सारे बच्चे बच्चे आ गए यहाँ पे देखने के लिए, देखिए गाइस अभी काम चालू है, कुछ भी लगा नहीं है, और आज है 24 तारीख। जो अभी व्यू है मैंने आपको दिखाई दिया है, और भाई लोग भी मिले हैं बहुत सारे प्यार करने वाले लोग, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए। मेरे भाई को कोई बुरा मत सोचा भाई, आपने आपका किसी ने कुछ लिया हो, आप बनना चाहते हैं आप भी बनो, आपको रोकते थोड़ी है भाई, तो भाई मेहनत करो, मेहनत करो तो फलोगे, और क्या, जलो मत किसी से, बराबरी करो, अगर दम हो तो बराबरी करके दिखाओ, बराबरी करके दिखाओ, बिल्कुल सही बात है, देख सकते हैं गाइस भाई कितना अच्छा दोस्त है, तो ऐसी सोच अगर हर किसी इंसान की हो ना भाई, कहते हैं जिगरा बड़ा रखो मेरे भाई, भाई थोड़ा बंद करना, हाँ भाई जिगरा बड़ा रखो तब पार कर पाओगे बंदे को, हौसले ऐसे नहीं तो ऐसे तुम्हारे तुम्हारे जैसे 50 आ जाए एक पे कुछ नहीं होगा भाई, 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 जब तक ऊपर वाला साथ है। हाँ तो भाई ऐसे ही भाई देखो कितना सपोर्ट कर रहा है, ऐसे आप लोग सपोर्ट प्यार बनाए रखे हैं, और क्या गोल्डन भाई मेरे फरुखाबादी, मैं भी फरुखाबादी UP 76 से, UP 76 फरुखाबाद।
कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, स्टार्टिंग हो रही है अब। जो मानो उद्घाटन टाइम कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ सिर्फ झोपड़ियाँ ही झोपड़ियाँ हैं और कुछ भी नहीं है। खाने पीने की कोई दुकान नहीं लगी है गाइस, कोई भी नहीं लगी है। ठेली पे लगा है बट ऐसा जो लगती है यहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें, वो कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अंदर ले लो, अंदर ले लो। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं गंगा जी के किनारे, जो पुल है ना जो आपको मैंने दिखाया था वो भी आपको दिखाएंगे। और गाइस अभी यहाँ पे जो भी व्यू है ना वो भी आपको दिखाते हैं, गंगा जी के किनारे क्या व्यू चल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। ज़्यादा दुकानें लगती हैं, कोई लिमिट नहीं है। अभी एक ही दुकान यहाँ पे लगी हुई है, एक या दो, वो भी स्टार्टिंग हो ही रही है अभी, कुछ कुछ बढ़िया सा कुछ नहीं लगा हुआ है। ये देख सकते हैं गाइस वो, और ये यहाँ पर पूरा सन्नाटा सा है अभी। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं गंगा जी के किनारे, ये पुल है जो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है अभी। कब लगा भाई ये वाला पुल? अभी लगा है, एक महीने पहले लग गया गंगा जी के लिए, मेले के लिए लगा है ना ये, मेले के लिए लगा है। तो मेले बाद अड़ी आएगा ये, तो गाइस ये स्पेशल पुल है बोल सकते हैं इसको, और ये मेले के लिए ही लगता है, और एक महीने बाद ये हट जाएगा जब रामनगरी मेला हटेंगी। ठीक है, तो कल यहाँ पर उद्घाटन है गाइस, तो एक दिन पहले क्या व्यू रहता है यहाँ का गाइस, हम आपको जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और पुल तो पूरा तैयार हो चुका है, स्टार्टिंग हो रही है गाइस, जो मानिए दो चार दिन में 30 तारीख तक 26 तारीख तक 27 तारीख तक यहाँ पे ऑलमोस्ट दुकानें और ऑलमोस्ट चीजें सब कुछ हैं जो रेडी हो जाएंगी। वो यहाँ पे काफी लोग हमें देख रहे हैं, सोच रहे हैं कौन नमूना है और क्या भाई, जो नहीं जानता वो नमूना ही बोलेगा। तो गाइस यहाँ पे हम आए थे और काफी सारे, हाँ भैया, अरे बिल्कुल क्यों नहीं यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गाइस यहाँ पे भैया बोले कि हमारे से फोटो क्लिक करो, अभी काफी सारे भाई लोग मिले हैं, फोटो क्लिक करवा चुका हूँ। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आलू की अभी दुकानें जो है अभी लगी नहीं है, यहाँ पे पूछते हैं यहाँ पे आलू की दुकान कब तक लग जाएंगी। भाई आलू की दुकान कब तक लग जाएगी यहाँ पे? तेज बोलिए, 25 तारीख को चालू हो जाएगी। 25 तारीख सब दुकान लग जाएंगी, सारी दुकानें बस आपकी? नहीं, दुकानें आ रही हैं यहाँ। अच्छा आ रही है, कहाँ से आ रही है? दूर दूर से आ रही है। आप कहाँ से हैं? हम तो यहाँ फरकाबाद। अच्छा फरकाबाद से है, चलो भाई अपने घर की बात है। तो यहाँ पर आलू खिलाएंगे हमें? खिलाएंगे अभी नहीं, फिर कभी बाद में पक्का, वो सही, फिर आपकी दुकान में आएंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि 25 तारीख के बाद से यहाँ पे दुकान लगना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अभी बस खाली यहाँ पे तैयारी चल रही है, बहुत जोरों शोरों से आप देखिए यहाँ पे ये सब बनाए जा रहे हैं। इनको क्या भट्टी बोलेंगे? ठीक है, चाची बता रही भट्टी बोलेंगे सबको। ठीक है, चाची लग रहा डर नहीं है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको बता दूँ कि जो दुकानें रहती हैं वो दुकानें बहुत दूर दूर तक रहती हैं, यहाँ तक की दुकानें रहती हैं, इस यहाँ तक की दुकानें रहती हैं। ठीक है, जो अंदर का यहाँ पे बनती हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ये गड्ढा गुड्डी कर रहे हैं, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक लगेगा यहाँ पे, ताकि जो बाइकें हैं वाहन है वो अंदर ना जा सके, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक रहती है और पब्लिक को नुकसान ना हो किसी चीज़ से, और कार गाड़ी वाड़ी यहाँ चलेंगी तो पब्लिक को नुकसान हो सकता है, इसलिए यहाँ पे बैग लग रही है ताकि गाड़ी और कार ना जा सके अंदर। देखिए जैसे कि ये अभी आ चुकी है, तो यहाँ पे बाइक की एंट्री बंद हो जाएगी, बिल्कुल ही बंद हो जाएगी गाइस। ठीक है, बस जैसे ही मिल रहा मेरे चालू हो जाएगा, तो बस अभी तो स्टार्टिंग अभी लग रहा सब कुछ, धीरे 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 गाइस सब कुछ देखते जाएगा, हम सब कुछ दिखाते हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पे इस तरीके से ये झूला लग रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए आप झूले ऐसे लगते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं तब जाकर झूले लगते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे दोबारा आए थे एक आध वीडियो शूट करने के लिए, वहाँ से हम लोगों ने जितना एक्सप्लोर करना था कर दिया। अभी कुछ खास नहीं है, कुछ ज़्यादा मतलब कि नॉर्मली सही है, अभी सब धीरे धीरे लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इन जो झूले जो आप यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ के बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से बच्चे मजे ले रहे हैं। अभी झूले जो लगे नहीं है, बस स्टार्टिंग है झूलों की लगने की, देखिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए किस तरीके से बच्चे यहाँ पर इंजॉय ले रहे हैं इन झूलों के, देखिए कितने मजे ले रहे हैं भाई, देखिए देखिए फ्री में झूले हैं, झूल लो, हाँ झूल लो, फ्री में सब झूले हैं। ठीक है, ये देखिए, और ये देखिए आप बच्चों के लिए नाव वाला है, ये ड्रैगन वाला है। तो गाइस अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो अगर मजा आया तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नई नई अपडेट आपको सबसे पहले हमारी तरफ से मिलती रहे। ठीक है गाइस, तो ऐसे प्यार सपोर्ट बना रखिए, और आपको कैसा लगा ये वाला ब्लॉग, आई होप अच्छा लगा होगा, तो कमेंट जरूर बताइएगा। हम लोग जा रहे हैं इस वीडियो को एंड करने के लिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।